को बता रही हैं। हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को लाउडस्पीकर से अलर्ट किया जा रहा है। आसमान से आहट आ रही है तबाही की, धरती का सैलाब है पानी का। ये तस्वीर भयावह है, कहीं पुलिया धाराशाही हो गई तो कहीं पानी का जल स्तर इतना बढ़ा कि लोगों को अलर्ट करने के लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। पता है कि भारी बारिश होने के कारण टोकना क्षेत्र के आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कृपया कर नदी नाले पार ना करें। एमपी में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं जल भराव की, कहीं स्कूल पानी से तरबतर है तो कहीं डैम रौद्र रूप दिखा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग घरों में दुबके हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश के रौद्र रूप के बाद बाजार में सन्नाटा है, सड़क पर लबालब पानी है और मुसीबत में प्रदेशवासियों की जिंदगानी है। राजधानी भोपाल की तस्वीर देखें, जो कह रही है कि अब खतरा सामने खड़ा है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश से अब सारे डैम जो है वो लबालब हो गए। पहले बड़ा तालाब जब लबालब हुआ तो भदभदा के गेट खोले गए थे और भदभदा से जब पानी छोड़ा गया तो अब कलिया सोत डैम के 13 गेट खोल दिए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सभी गेट जो है वो करके खोले गए। पटना में तो बारिश ऐसी बरसी की आफत बन गई, स्कूलों में 3 फीट तक पानी भर गया। अब बच्चे सड़क पर हैं और स्कूल पानी के अंदर। उधर शहडोल में तो इससे ज्यादा खराब हालत है। भारी बारिश के बाद ब्योहारी सूखा गांव में झरप नदी की पुलिया टूट गई और टूट गया 50 से ज्यादा गांव का संपर्क। नर्मदापुरम में तो मां नर्मदा रौद्र रूप दिखा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तवा बरगी बारना डैम से पानी छोड़ने की नौबत आ गई है। जिले में बारिश और बाढ़ का दौर लगातार बना हुआ है। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए लो लाइन एरिया में अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल हम मां नर्मदा के सेठानी घाट पर हैं। आप देखेंगे सेठानी घाट पर इस समय नर्मदा का जो जल स्तर है वो तकरीबन 955 फीट पर जा पहुंचा है। तवा बारना और बरगी तीनों ही डैम के गेट खुले हुए हैं। तवा डैम के 5 गेट 5 फीट हाइट तक खोले गए हैं। उधर नर्मदा का रौद्र रूप दिखा तो इधर सीहोर और हरदा में पानी जो परेशानी बन गई है, स्कूल में अवकाश का ऐलान करना पड़ा। भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। एमपी में शहर से लेकर गांव तक हर एक कोना पानी से लबालब भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एमपी में बारिश ने तो कोहराम मचा ही रखा है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने आक्रमण कर दिया है। कई जिलों में भारी बारिश जारी है तो कई जिलों में आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, मतलब खतरा कई शहरों की। तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं, कहीं पानी का प्रलय है तो कहीं सैलाब में बहती जिंदगी। इसे तबाही कहिए या फिर प्रलय, इसे बारिश का आक्रमण कहिए या फिर आसमानी आहट जो हर तरफ से कह रही है कि अब आने वाला वक्त प्रदेश को डुबा देगा बाढ़ में। छत्तीसगढ़ में हर रोज भारी से भारी बारिश हो रही है। रायपुर में सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश ने शहर का कोना कोना तरबतर कर दिया, तो वहीं कोरबा में इतनी बारिश हुई कि सड़क पर दौड़ने वाली कार, पानी में तैरने वाली नाव नजर आई। ये कोरबा के आरएसएस नगर की तस्वीर है जहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर कार बहने लगी। गनीमत रही कि कार चालक की जान बाल बाल बची। यह हादसा पौड़ी बाहर रविशंकर नगर मार्ग पर हुआ। जब कार चालक घर से निकला था तो हल्की बारिश थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसी बारिश हुई मानो बादल फट गया, गाड़ियां तैरने लगी और जिंदगी मौत के करीब पहुंच गई। उधर रायपुर में भारी बारिश के बाद गुढ़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर गया। शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया।
अब राजधानी के लोग पानी से आई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुढ़ियाड़ी अंडर ब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडर ब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा ये दूसरी गाड़ी है जो अंडर ब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ये एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहां फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। मनेन्द्रगढ़ की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां अपने रौद्र रूप में हैं, तो जिले में पर्यटन स्थल अमृत धारा में मनमोहक नजारा भी देखने को मिला। झरने प्राकृतिक सुंदरता बिखेर रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। अमृत धारा की लहरें और गिरते हुए पानी की बौछार लोगों का मन मोह रही है। जशपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। बगीचा नगर पंचायत सीमा से होकर बहने वाली राजपरी नदी उफान पर है। बगीचा रेंगले मार्ग पर रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। बलरामपुर में तो भारी बारिश की वजह से स्टॉप डैम टूट गया, हालांकि समय रहते निचले इलाकों को खाली करवा लिया गया था। भारी बारिश के बाद अंबिकापुर में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जारी बारिश से घुनघुट्टा डैम लबालब भर गया। इसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आई तस्वीर कह रही है कि सावधान हो जाइए, प्रदेश में जल प्रलय आया है। आने वाले समय में आपके शहर में ये प्रलय दिखेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अंबिकापुर में हुई जोरदार बारिश के बाद यहां के मेडिकल कॉलेज का हाल बेहाल है। मेडिकल कॉलेज के भवन के कई वार्ड में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। मरम्मत की गई लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। करोड़ों खर्च हो गए लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सोचिए, जिस अस्पताल में मरीज अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए पहुंचते हैं, वहां मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन तस्वीरों को देखिए जो बारिश के बाद पोल खोल रही हैं। टपकती छत मेडिकल कॉलेज की कहानी कह रही है। फर्श पर गिरी पानी की बूंदें गवाही दे रही हैं सिस्टम की लापरवाही की, और ये भी कह रही हैं कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद भी नहीं संभले तो समझ लीजिए कि कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। यह अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है जो खुद बीमार है, इससे इलाज की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज चीख चीख कर कह रहा है कि इनके जख्म पर मरहम लगाया जाए, क्योंकि जख्म से अब खून रिस रिस कर निकल रहा है। तस्वीरें देखिए, पानी की बूंदें छत से कैसे टपक रही हैं। अब अगर ये कहें कि मेडिकल कॉलेज ही बीमार है तो फिर क्या गलत है? जिला अस्पताल है जहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है, और अभी बारिश हो रही है, और देखिए कि इसके जो छत है उससे किस तरह के यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है, और ऐसे में यहाँ से चलने वाले जो लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको दिखाता हूँ, ये पुरुष सर्जिकल वार्ड के सामने, जहाँ पर यहाँ पुरुष जो सर्जिकल वार्ड है वहाँ का ये नज़ारा है, और इसके साथ ही मैं आपको एक नर्सिंग जो स्टाफ जहाँ बैठते हैं वहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये नर्सिंग जो स्टाफ हैं वो अपना काम करती हैं और कितना परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। अस्पताल के जख्म से सिर्फ मरीज ही परेशान नहीं, बल्कि स्टाफ को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, जिसकी मरम्मत के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। वहीं नई बिल्डिंग के निर्माण का काम अधूरा पड़ा है, इसे पूरा करने के लिए 118 करोड़ रुपए की जरूरत है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत की रिपोर्ट, न्यूज 18।
दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे गीदम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हॉस्टल की अव्यवस्था और वार्डन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का बजट आता है। बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले इसके लिए छात्रावास बनाए जाते हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नारे भी लगाए जाते हैं, पढ़ेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। लेकिन हालात इन नारों से इतर है। एक तस्वीर दिखाते हैं दंतेवाड़ा की हॉस्टल की, जिसे देखकर आप कहेंगे कि ऐसे भवन में छात्रावास बनाना कितना सही है, जिसकी दीवारें भी कह रही हो कि हमें बचा लो। छत का एक सरिया दम तोड़ रहा है। अब इसे लेकर गीदम पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। हॉस्टल की अव्यवस्था और वार्डन की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। हमारा हॉस्टल का समस्या में आए हैं। हॉस्टल का नाम है बालक छात्रावास बालक आदिवास गीदम। यहाँ छत ऊपर से गिरने के कारण बारिश पूरा टपक रहा है छत में, और छत पूरा गिर रहा है, और अपने भाई के यहाँ पूरा गिर गया, हाथ दर्द कर रहा है। बच्चे लगातार कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे ताकि अपनी बातों को कलेक्टर तक पहुँचा सके, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया। बता दें कि छात्रावास का भवन इतना जर्जर है कि इसकी छत एक बच्चे पर गिर गई, बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे बताते हैं कि रात में सोते समय छात्रावास की छत से छात्रों के बिस्तर पर पानी टपकता है, हाथ कंधे पर दर्द दे रहा है, छत ऊपर गिर गया है। क्यों शनिवार है आप लोग आए मिलने? जी, एक बहुत दिन बर्दाश्त बहुत दिन बोल के देखे, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो हम सोचे कि सब मिलकर एक बार कलेक्टर सर से मिलकर आते हैं, ऐसे करके हम सब सोच के आए हैं। हर दिन बोलते हैं सुधार देंगे, चेंज कर देंगे हॉस्टल वगैरह, तो 2-3 साल हो रहा है सर। बोले यार पिछले साल रिपेयरिंग भी हुआ था सर, फिर भी छत टपकता है सर, और आज हमारे भाई के ऊपर छत गिर गया। ये तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोचिए अगर छत गिरने के दौरान कई और छात्र चपेट में आते तो क्या होता, इसका जवाब कौन देगा? दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट। आगरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां जमीन में दफन एक शख्स को कुत्तों और जंगली जानवरों ने बचाया। दरअसल युवक का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और मरा हुआ समझकर जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी तभी जंगली जानवरों ने मिट्टी खोदी तो उसकी जान बच गई। आगरा में हैरान करने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में एक लड़का सिर्फ पैंट पहने नजर आ रहा है और उसका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी में सना हुआ है। शख्स ने जो दावा किया वो हैरान करने वाला है। अपने मुंह से बता दे तंग मां का वारदात करिए इतने नौ को मैं सात लोगों ने मारो। सात लोगों ने तो मारो है, मतलब मारे के बाद तेरे का करो है? मैं मार के गाड़ दूं। अच्छा हार दो है? अब मैं सुअर अंडे खोदूं। तू सुअर अंडे खोदो भाई, खा दे लो तेरे। तू बस क्या हो मारते? लड़के का दावा है कि उसे दुश्मनों ने पीट पीट कर जान लेने की कोशिश की और मरा हुआ समझकर गड्ढे में दफन कर दिया। दावा है कि आवारा कुत्तों और सुअर ने मिट्टी खोदी तो उसकी जान बच पाई। आगरा में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दबंगों ने एक जिंदा युवक को गड्ढे में गाड़ दिया। हालांकि पहले युवक के साथ मारपीट की गई, उसके बाद युवक को मृत समझकर गड्ढा खोदा और उसको गड्ढे में गाड़कर दबंग फरार हो गए। मारपीट के कारण युवक लहूलुहान था। खून के दुर्गंध आने पर जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया और जब युवक के शरीर पर जंगली जानवरों ने नोचा तो उसको होश आया। उसके बाद वह किसी तरह गड्ढे में से निकलकर पास के ही गांव में अपने रिश्तेदार के यहां पर जा पहुंचा। दबंगों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसको जिंदा ही गड्ढे में गाड़ दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आरोप लगाया गया कि पूरे मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की।
मामला आगरा का है। हालांकि लड़के के आरोपों को पुलिस ने नकार दिया। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद का मामला है। थाना सिकंदरा पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि गांव के रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसकी गाली गलौज हुई है। उसी क्रम में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के क्रम में मारपीट की घटना पाए जाने पर दिनांक 31/7/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वे आगे की कार्रवाई की जाए। अब लड़के के आरोप कितने सच्चे हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं, जो पीड़ित के साथ हुई बर्बरता की कहानी को बयां कर रहे हैं। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। आगरा की बात करते हैं। यहाँ पर ताजमहल में दो लड़कों ने गंगाजल चढ़ाया। दोनों लड़के गंगाजल लेकर पहुंचे और अंदर जल चढ़ा दिया। दोनों लड़कों ने गंगाजल चढ़ाने का वीडियो भी बनाया। वीडियो में देखें कि दोनों लड़के एक लीटर के पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हैं और फिर ताजमहल के अंदर जल चढ़ा देते हैं। जानकारी मिलते ही CISF एक्टिव हो गई और दोनों लड़कों विनेश और श्याम को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को CISF जो कि ताज महल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बॉटल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर CISF ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। CISF के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ। चांद पर सफल लैंडिंग, सूर्य मिशन आदित्य 1 के बाद भारत के मानव मिशन गगनयान की तैयारी जोरों से चल रही है। लेकिन इससे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से हिंदुस्तान को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। मिशन गगनयान के एक एस्ट्रोनॉट को नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले नासा की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ये इस साल फरवरी की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट्स विंग पहनाते हुए उनके नाम की घोषणा की थी। चारों एस्ट्रोनॉट्स की पहली झलक देखने को मिली थी। अब इन्हीं चारों एस्ट्रोनॉट्स में से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजने की तैयारी में है। इसरो ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला को इसरो और नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान ने ISS के लिए अपने आगामी XEM-4 मिशन के तहत नासा के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। इस मिशन में दो भारतीय शामिल होंगे, जिन्हें प्रमुख और बैकअप मिशन पायलट की कमान संभालनी होगी। इसरो के जारी बयान के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइमरी मिशन के पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायु सेना के एक अन्य अधिकारी ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट होंगे। इस मिशन के लिए दोनों अधिकारियों का प्रशिक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ISS पर जरूरी वैज्ञानिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे, साथ ही वो अंतरिक्ष में होने वाली दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन जाना बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले 40 साल में वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के साथ अंतरिक्ष में गए थे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के लिए ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन होने वाला है। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ में हुआ था। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग NDA में हुई है। वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में उन्हें साल 2006 में शामिल किया गया। वो एक फाइटर कॉम्बैट लीडर है। उनके पास 2000 घंटे का उड़ान भरने का अनुभव है। उन्होंने सुखोई 30, मिग 21, जगुआर, डार्नियर जैसे विमान और फाइटर जेट्स उड़ाए हैं।
अगले साल इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान लॉन्च होगा। सूरज और चांद के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो मिशन गगनयान पर दिन रात काम कर रहा है। गगनयान मिशन के तहत चार चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए लॉन्च करना है। उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से वापस धरती पर लाना है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाना है और भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसरो ने इसकी टेस्टिंग पिछले साल की थी। मिशन गगनयान के तहत जाने वाले चारों टेस्ट पायलटों की शुरुआती ट्रेनिंग रूस में हुई थी। गगनयान की लॉन्चिंग से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा और बाद में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के सफल होने पर भारत दुनिया का 4th देश बन जाएगा। मानव मिशन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही पूरा किया है। पीएम मोदी ने मिशन गगनयान के बारे में साल 2018 में ऐलान किया था। अब अगले साल इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही।